कैसे हैं आप सब? हिंदी आपके लिए थोड़ा नया विषय है, पर बहुत ही मजेदार है। आपको मजा आ रहा है ना? आज हम हिंदी में इकाई दो बढ़ते कदम सीखेंगे, तो चलिए सीखना शुरू करें। सबसे पहले है हिंदी वर्णमाला, जिसे हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं। अ आ ई ई ऊ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अह क ख ग घ च छ झ ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श छ स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। उसके बाद है अभ्यास एक। हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए। जैसे कि ज गुजराती में, तो उसके सामने ज हिंदी में, तो आपको इस प्रकार हिंदी वर्णमाला के सामने गुजराती वर्णमाला के अक्षर लिखने हैं। उसके बाद दूसरा अभ्यास है यह वह। बाळको अहीं यहनो अर्थ थाय छे आ अने वहनो अर्थ थाय छे पेलू। एटले जो वस्तु आपणी नजीक हशे तो आपणे लखीशुं यह, अने जो वस्तु आपणाथी दूर हशे तो आपणे लखीशुं वह। तो चालो आपणे थोड़ा उदाहरणो जोईए। पहला चित्र है पतंग का, जिसमें पहले चित्र में पतंग नजदीक है, तो उसे क्या लिखेंगे? यह पतंग है। आनो अर्थ थाय छे के आ पतंग छे। दूसरे चित्र में पतंग दूर है, तो उसे लिखेंगे वह पतंग है। एनो अर्थ थाय छे पेली पतंग छे। तो आम नजीकनी वस्तु माटे यह वापरीशू अने दूरनी वस्तु माटे वह वापरीशू। बीजु उदाहरण, यह पुस्तक है, वह पुस्तक है। पहले चित्र में पुस्तक नजदीक है, इसीलिए यह। एनो अर्थ थाय छे आ पुस्तक छे। बीजा चित्रमां पुस्तक दूर छे, तेथी वह पुस्तक है, अने तेनो अर्थ थाय छे पेलू पुस्तक छे। त्यार पछीना चित्रमां घोड़ो छे, तो वाक्य थई जशे यह घोड़ा है। दूसरे चित्र में घोड़ा दूर है, तो उसमें आएगा वह, वह घोड़ा है। तो इस प्रकार यह और वह का उपयोग वाक्य में होता है। उसके बाद है अभ्यास तीन, जिसमें हम देखेंगे यह है ये है। तेनो गुजराती अर्थ थाय छे यह है એટલે કે આ છે અને યે હે એટલે પણ આ છે, તો બંનેનો અર્થ તો સરખો થાય છે, તો તેમાં અલગ શું છે? અલગ એ છે કે જ્યારે નજીકની એક વસ્તુ માટે કહીએ છીએ તો તેમાં આવશે યહ, અને નજીકની એક કરતાં વધારે વસ્તુ અથવા પ્રાણી હોય તો તેમાં આવશે યે।
इसका मतलब है नजदीक की एक वस्तु या प्राणी के लिए यह और एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए ये का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहले चित्र में एक लड़का है, तो वाक्य बनेगा यह लड़का है। दूसरे चित्र में दो लड़के हैं, यानी कि एक से ज्यादा है, तो उसका वाक्य बनेगा वे लड़के हैं। उसके बाद वाले चित्र में हाथी है जो कि एक ही है, तो उसका वाक्य बनेगा यह हाथी है। दूसरे चित्र में तीन हाथी है, यानी कि एक से अधिक है, तो उसका वाक्य बनेगा ये हाथी है। उसके बाद वाले चित्र में लड़की है जो कि सिर्फ एक है, तो उसके लिए वाक्य बनेगा यह लड़की है। सामने वाले चित्र में एक से ज्यादा लड़कियां है, तो हम लिखेंगे ये लड़कियां है। उसके बाद वाले चित्र में माला है और सिर्फ एक है, तो वाक्य बनेगा यह माला है। उसके सामने वाले चित्र में एक से अधिक मालाएं हैं, तो हम लिखेंगे ये मालाएं हैं। उसके बाद के चित्र में एक ही पुस्तक है, तो लिखेंगे यह पुस्तक है। सामने वाले चित्र में एक से ज्यादा पुस्तक है, तो लिखेंगे ये पुस्तकें हैं। बच्चों, इस प्रकार यह और ये का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अभ्यास चार, जिसमें हम सीखेंगे वह है, वे है, जिनो गुजराती अर्थ थाई छे, ते छे, इतले के वस्तु थोड़ी दूर हसे। ज्यारे एक वस्तु हसे त्यारे वह, अने ज्यारे एक करता वधारे वस्तु हसे त्यारे वे। हिंदी में जोइए, दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए वह और एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम थोड़े उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर चित्र में जितनी भी चीजें या प्राणी है वो थोड़े दूर है, तो पहला है चूहा जो सिर्फ एक है, तो हम बोलेंगे वह चूहा है। उसके बाद एक से अधिक चूहे है, तो हम बोलेंगे वे चूहे है। उसके बाद एक माली है, तो हम बोलेंगे वह माली है। उसके बाद एक से अधिक माली है, तो हम बोलेंगे वे माली है। उसके बाद एक ही तितली है, तो हम बोलेंगे वह तितली है। सामने वाले चित्र में एक से अधिक तितली है, तो हम बोलेंगे वे तितलियां है। उसके बाद सिर्फ एक कुर्सी है, तो हम बोलेंगे वह कुर्सी है। उसके बाद दो कुर्सी है, तो हम बोलेंगे वे कुर्सियां है। उसके बाद सिर्फ एक बकरी है, तो हम बोलेंगे वह बकरी है। एक से अधिक बकरी के लिए बोलेंगे वे बकरियां है। तो आज हम सबसे पहले हिंदी वर्णमाला सीखे, उसके बाद वर्णमाला में से हमने गुजराती और हिंदी दोनों वर्णों को लिखा। उसके बाद हमने यह और वह शब्द का अर्थ सीखा। यह का मतलब होता है आ और वह का मतलब होता है पहलू, अर्थात अगर वस्तु हमसे नजदीक है तो यह और वस्तु हमसे दूर है तो वह। उसके बाद हमने देखा यह है,
ये है जिसमें हमने एक वचन और बहुवचन को लिखना सीखा। अगर वस्तु हमारे नजदीक है और एक वचन में है तो फिर यह है, और वस्तु हमारे नजदीक है पर एक से ज्यादा है तो आएगा ये है। और आखिर में हमने देखा वह है वे है, यानी कि वस्तु अगर हमसे दूर है और एक वचन में है तो वह है, और वस्तु हमसे दूर है और बहुवचन में यानी कि एक से ज्यादा है तो आएगा वे है। तेनो अर्थ थाय छे ते छे। तो आज हमने जो सीखा वह आपको अच्छे से समझना है। अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।